हेलो गाइस, पीके मगहिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि हम आए हुए हैं राजगीर, और राजगीर में हम तांगा का मजा ले रहे हैं। तांगा यानी घोड़ा, जिसे टमटम गाड़ी भी कहा जाता है, घोड़ा गाड़ी भी कहा जाता है। तो हम आए हुए हैं अपने परिवार के साथ में, और हमारी एक छोटी बच्ची भी है, मुनिया माला, और देखिए गोद में लिए हुए हम टांगा का मजा ले रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं। और आज हम जा रहे हैं राजगीर की ब्रह्मकुंड की ओर, और आज आप लोग को ब्लॉग में दिखाएंगे भी केवल राजगीर का ब्रह्मकुंड ही, और ब्रह्मकुंड का कैसे रास्ता है, क्या है वो। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को ले चलते हैं ब्रह्मकुंड। तो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग अभी मज़ा ले रहे हैं, और अब पहुँच चुके हैं हम लोग, देखिए ये ब्रह्मकुंड का ये मुख्य द्वार, जो प्रवेश द्वार, यहाँ से हम एंट्री करेंगे, ये मुख्य द्वार है, और यहाँ से हम ब्रह्मकुंड की ओर जाएंगे। ये सीधा रास्ता जो है आप लोग देख रहे हैं, ब्रह्मकुंड की ओर जा रही है, और ये सीधा जा रही है सीढ़ी से भी, और एक साइड से भी आपको मिलेगा ऊंचा चढ़ के जाने के लिए। और उसके किनारे में बहुत ही खूबसूरत सा पेड़ पौधे लगा करके एक गार्डन टाइप का एक बहुत ही बढ़िया पार्किंग किया गया है, पार्क बनाया गया है। तो आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई नज़र आ रहा होगा आप लोग को, और यहाँ पे झूला वगैरह भी लगा हुआ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो झूला भी देखने का मौका मिलेगा, और बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे ठंडा पानी का भी व्यवस्था है, अगर आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो यहाँ ठंडा पानी का भी व्यवस्था किया गया। देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, और ये बच्चे खेल रहे हैं, झूला भी लगा हुआ है, और बहुत ही अच्छा ये पीपल का वृक्ष, और बहुत ही पेड़ सुंदर सुंदर। और ये देखिए रास्ता जा रहे हैं ऊपर पुल की ओर, और ये सीढ़ी सीढ़ी से भी ऊपर जा रहा है। तो चलिए आगे, और ये देखिए मंदिर, कुंड में प्रवेश करते ही ये बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे आप लोग को, लोग पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर। और ये देख सकते हैं मंदिर, और अब हम पहुंच चुके हैं कुंड के पास। और देखिए कुंड से ये रास्ता जो जा रही है, ये कुंड के अंदर प्रवेश करने के लिए हम जा रहे हैं सीढ़ी से अंदर ये कुंड की तरफ। और देख सकते हैं कुंड की तरफ जाने के बाद ये देखिए सप्तधारा, यहाँ गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का झरना बह रहा है सप्तधारा से, जो बाघ का चिन्ह का प्रतीक है बनाया गया, उसके मुँह से गिर रहा है गर्म गर्म पानी। तो देख सकते हैं गर्म पानी, ये सप्तधारा में नहा करके रुक जाते हैं फिर ब्रह्मकुंड में। तो यहाँ पे हम भी नहाएंगे, और देखिए नहा करके और जाएंगे उसके बाद में सप्तधारा में नहाने के लिए। तो देखिए अब ये जो सप्तधारा चल रहा है उसमें हम भी स्नान करेंगे, और यहाँ स्नान करने के बाद में एकदम से आपका शरीर एकदम से जो ब्लॉक रहेगा वो खुल जाएगा, दर्द उर्द जितना भी रहता है मिट जाता है। और हम स्नान कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, और गर्म पानी है, अभी गर्मी का मौसम भी है लेकिन फिर भी ठीक लग रहा है। और गर्म पानी से नहाने के बाद आप तरोताजा होता है, इस पानी को हम पी लेते हैं भी, पीने के बाद में पाचन शक्ति मजबूत हो जाता है। तो तब तक हम ब्लॉग समाप्त करते हैं यहीं पे, आप अगले ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि ब्रह्मकुंड का फोटो नहीं लेने दिया जा